देखो बच्चों, हम लोग किंगडम मोनेरा का स्टडी कर रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग माइकोप्लाज्मा का स्टडी करेंगे। देखिए, माइकोप्लाज्मा का डिस्कवरी जो है इनोकार्ड एंड आर राउट्स ने किया था। देखिए, ध्यान दीजिए, इनोकार्ड एंड आर राउट्स ने किया था। देखिए, जो कैटिल सीप थे वो प्लूरोनिमोनिया डिजीज से जो है सफर कर रहे थे। ध्यान दीजिए, प्लूरोनिमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लूरोनिमोनिया डिजीज से ये क्या कर रहे थे, सफर कर रहे थे। उसी में माइकोप्लाज्मा का डिस्कवरी इन लोगों ने किया था। उसी में जो है माइकोप्लाज्मा का डिस्कवरी किया था। इनको जो है जरा ध्यान दीजिए, पीपीएलओ इसका मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखिए, ध्यान दीजिए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है। एक्चुअल में जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ है, ये ध्यान रखिए, इनको जो है पीपीएलओ या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखिए, इनको जो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसको पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ, देखिए, ध्यान दीजिए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बात समझिए, एक्चुअल में जो है ये जो लोग इनको जो है पीपीएलओ से डेजिग्नेट किए, पीपीएलओ से क्या किए, डेजिग्नेट किए प्लूरोनिमोनिया लाइक डिजीज। एक साइंटिस्ट थे नोवाक, जिन्होंने इन ऑर्गेनिज्म को जीनस माइकोप्लाज्मा में रखा था। ध्यान रखिए, अच्छा, एक इसका जो मेन पॉइंट जरा ध्यान दीजिए, इसका मेन पॉइंट जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, पहला यूनिसेलुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरा स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चला है। देखिए, ये जो है यूनिसेलुलर एंड स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है। इसके अलावा ये जो है नॉन मोटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। और एरोबिक प्रोकैरियोट होते हैं। ये जो है एरोबिक प्रोकैरियोट। देखिए, ये एरोबिक प्रोकैरियोट होते हैं। ये विदाउट सेल वॉल होते हैं। ये जो है विदाउट सेल वॉल होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, ये विदाउट जो है सेल वॉल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ
इनके अंदर सिलवाल अब्सेंट होता है, इनके अंदर सिलवाल अब्सेंट होता है। विदाउट सिलवाल होने के कारण भाई इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही, विदाउट सिलवाल होने के कारण ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं, ये अपना शेप जो है चेंज कर लेते हैं। विदाउट सिलवाल होने के कारण ये अपना शेप जो है क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसीलिए इनको जोकर ऑफ, ध्यान दीजिए, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहते हैं। बात समझिए, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। बात समझिए, ये अपना शेप जो है इरेगुलर और वेरिएबल कर लेते हैं, ये अपना शेप जो है इरेगुलर एंड वेरिएबल कर लेते हैं, ये अपना शेप जो है इरेगुलर एंड वेरिएबल कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है ये इनको कहा जाता है कि ये प्लियोमार्फिज्म शो करते हैं। ये क्या शो करते हैं, प्लियोमार्फिज्म का मतलब होता है ये अपना जो है इरेगुलर और वेरिएबल शेप कर लेना, इनको जो है अपना शेप जो है चेंज कर लेना। तो मैं बार बार आपसे कहूंगा इस बात को ध्यान दीजिए, इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, देखिए मैंने बताया था अभी कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, इनका जो है सेलवाल तो नहीं पाया जाता लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है पाया जाता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है थ्री लेयर्ड होता है, ध्यान दीजिए, सेल मेम्ब्रेन जो है ये जो है आपका थ्री लेयर्ड होता है। ये कैसा होता है, थ्री लेयर्ड, ये सेल मेम्ब्रेन इनका थ्री लेयर्ड होता है और ये मेड बाई जो है लाइपोप्रोटीन, ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है, लाइपोप्रोटीन। ये कई बार मैं बताया हूं कि लिपिड प्लस प्रोटीन को लाइपोप्रोटीन कहते हैं, ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। एक बात और बता दें, इनके जो साइटोप्लाज्म है, इनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो है 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम, जरा ध्यान दीजिए, 70S राइबोसोम पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा साइटोप्लाज्म में डबल स्टैंडेड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, इसके अलावा जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। अच्छा, जनरली ये ग्राम निगेटिव होते हैं, ये क्या कैसे होते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं, ये ग्राम निगेटिव होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं। ये जो है क्लोरामफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन के प्रति जो है सेंसिटिव होते हैं, ध्यान दीजिए, क्लोरामफेनिकॉल एंड टेट्रासाइक्लिन। देखिए टेट्रासाइक्लिन जो है के जो है प्रति जो है ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ये जो है सेंसिटिव होते हैं। इनके अंदर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस का पावर होता है। तो ध्यान दीजिए, पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक्स है, इनके प्रति रेजिस्टेंस का क्या होता है, पावर होता है। इनके स्पेसीज जो होते हैं ये सेप्रोफाइट, जरा ध्यान दीजिए,
सेफ्रोफाइट या फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं, या फैकल्टेटिव ध्यान दीजिए, फैकल्टेटिव जो है आपका पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं। रिप्रोडक्शन इन माइको प्लाज्मा, तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में हम इसके स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन एक्चुअल में रिप्रोडक्शन बाई बडिंग होता है, रिप्रोडक्शन बाई बडिंग ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्शन बाई बडिंग आर बाइनरी फीजन। इनमें जो है रिप्रोडक्शन बडिंग या जो है बाई बाइनरी फीजन से होता है, बात समझिए। इसके अलावा जो है इनमें जो है प्राइमरी जो है बाई प्राइमरी स्ट्रक्चर आर एलिमेंट्री बॉडीज जरा ध्यान दीजिए, एलिमेंट्री बॉडीज टाइप का भी रिप्रोडक्शन होता है। अब ये क्या है एक्चुअल में, तो ये वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन है, अब हम लोग इसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद जो है इम्पोर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो अब जरा ध्यान दीजिए इनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले इनका जो इम्पोर्टेंस है हम लोग पढ़ेंगे डिजीज इन ह्यूमन। ध्यान दीजिए डिजीज इन ह्यूमन, एक्चुअल में ये कौन सा डिजीज ह्यूमन में जो है क्रिएट करते हैं, ये जो है ध्यान दीजिए माइकोप्लाज्मा होमिनिस। ये जो है माइकोप्लाज्मा होमिनिस जो है प्लूरोनिमोनिया क्रिएट करता है। दूसरा जो है माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेटस, ये जो है एक्चुअल में ये, और एक और जो है माइकोप्लाज्मा है जिसे माइकोप्लाज्मा होमिनिस कहते हैं, ये माइकोप्लाज्मा होमिनिस ये एक्चुअल में ये दोनों मिल करके मैन में जो है इनफर्टिलिटी इन मैन। तो बहुत इम्पोर्टेंट था, ध्यान दीजिए मैं एक बार बता दूं कि डिजीज ह्यूमन में आपको सबसे पहला माइकोप्लाज्मा होमिनिस जो कि प्लूरोनिमोनिया का क्रिएट करता है, दूसरा जो है माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेटस एंड माइकोप्लाज्मा होमिनिस, ये दोनों मिल करके जो है मैन में इनफर्टिलिटी जो है का डिजीज क्रिएट करते हैं। सेकंड जो है डिजीजेज इन एनिमल्स। देखिए ये एनिमल में कौन सा डिजीज जो है क्रिएट करते हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो माइकोप्लाज्मा
माइक्वाइड्स, ये जो है माइकोप्लाज्मा माइक्वाइड्स जो है निमोनिया इन कैटिल, ध्यान दीजिए निमोनिया इन कैटिल। इसके अलावा एक और माइकोप्लाज्मा है जिसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा एग्लेक्टिया। ये जो है माइकोप्लाज्मा एग्लेक्टिया जो है ये जो है सीप और गोट में एग्लेक्टिया क्रिएट करता है। देखिए ध्यान दीजिए ये सीप एंड गोट में जो है ये क्या करता है एग्लेक्टिया डिजीज क्रिएट करता है। सीप एंड गोट में एग्लेक्टिया डिजीज क्रिएट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजीजेज इन प्लांट्स। देखिए प्लांट्स में जो है ये माइकोप्लाज्मा जो है कौन सा डिजीज काज करता है तो आप लोग ध्यान दीजिए। एक्चुअल में प्लांट में जो है जो डिजीज होता है कॉमन डिजीज होता है। तो पहला डिजीज जो है ध्यान दीजिए बंची टॉप ऑफ पपाया। बहुत ही इजी है पपाया। देखिए बंची टॉप ऑफ पपाया। सेकंड जो है येलो ड्वार्फ ऑफ टुबैको। जरा ध्यान दीजिए थर्ड जो है लिटिल लीफ इन ब्रिंजल। एंड जो फोर्थ है आपका ये जो है बिग बर्ड्स इन टोमेटो। तो ध्यान दीजिए ये जो है ये माइकोप्लाज्मा के कारण जो है ये प्लांट में डिजीज हो जाता है। एक्चुअल में ये डिजीज जो होते हैं ये प्लांट में माइकोप्लाज्मल डिजीज कहलाते हैं। माइकोप्लाज्मल डिजीज कहलाते हैं। यूजुअली ये लीफ हॉपर से ट्रांसफर होते हैं। लीफ हॉपर से ट्रांसफर होते हैं। देखिए मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए बंची टॉप ऑफ पपाया, येलो ड्वार्फ ऑफ टुबैको, लिटिल लीफ इन ब्रिंजल, बिग बर्ड्स इन टोमेटो। एक्चुअल में ये जो है माइकोप्लाज्मल डिजीजेज हैं। इस तरह से हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा के बारे में स्टडी कर लिया है और आगे जो है किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी किया जाएगा। धन्यवाद।